अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है OH, और जो इसमें सफिक्स होता है वो होता है ऑल, ओएल ऑल। ठीक है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है CN, H2N प्लस वन और OH। CN H2N प्लस वन ये अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला भी होता है, और उसमें बस डैश में क्या लग जाता है, OH लग जाता है, तो क्या हो जाता है ये अल्कोहल। जैसे इसमें पहला मेंबर लिखते हैं N को वन रखेंगे तो क्या आएगा CH3OH आएगा, ये फर्स्ट मेंबर। अगर हम इसे एक्सपेंड करके लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा कुछ H H H OH। ठीक है, अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें, IUPAC नेम, तो क्या है ये एक कार्बन है तो मीथेन प्लस सफिक्स लगेगा ऑल, तो ई और ओ साथ में आ नहीं सकते तो ई कट जाएगा और इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल, METHANOL। स्पेलिंग ध्यान रखना, इसलिए मैंने ई काट के दिखाया, वरना बच्चे ई भी चिपका देते हैं। इसका नाम हो गया मिथेनॉल, और इसका जो कॉमन नेम है वो है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। बहुत सुना होगा इस मिथाइल अल्कोहल का नाम, ये जो है पॉइजनस होता है नेचर में। ठीक है, जो भी ऐसी शराब होती है ना, जो जहरीली शराब होती है, उसके अंदर मिथाइल अल्कोहल मिल जाता है, तो इसलिए वो पॉइजनस हो जाती है। अब इसका सेकेंड कंपाउंड देखते हैं, एन की जगह टू आएगा तो ये हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, इसे अगर एक्सपेंड करके लिखें तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। अब देखो दो कार्बन है तो इसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए, इथेन प्लस ऑल, ई कट जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तुम्हें ये नाम लिख के आना है, ये नहीं करके दिखाना, ये मैं तुम्हारी गलती ना हो इस वजह से लिख के दिखा रहा हूँ, ETHANOL इथेनॉल। और इसका जो कॉमन नेम है ये होता है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज होता है, जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है ना दारू, वो यही है। अगर इसका थर्ड मेंबर देख लें तो C3H7OH। ठीक है, C3H7OH यानी कि तीन कार्बन है, इस तरह से। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, तीन कार्बन है तो प्रोपेनॉल, PROPANE प्रोपेन प्लस ऑल, ई कट जाएगा, PROPANOL प्रोपेनॉल, OL है ध्यान रखना। ये इसका कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपाइल अल्कोहल। इसके लिए कोई खास प्रॉपर्टी मुझे पता नहीं है, अगर होगी भी तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो प्रोपाइल अल्कोहल। अब जरा इसमें कुछ और कंपाउंड्स की नेमिंग देख लेते हैं। मान लो हमें इस तरह से दिया होता कोई कंपाउंड, ये एक अल्कोहल है, इसका नाम लिखना होता है, पेरेंट चेन, ये अल्कोहल है 1 2 3 4 5, तो पांच कार्बन है, तो IUPAC नेम क्या होता है इसका, पेंट। ठीक है, पेंटेन टू ऑल, इस बार ई नहीं कटा, क्यों, क्योंकि ई और ओ के बीच में टू आ गया ना, तो इसलिए काटने की जरूरत नहीं। तो पेंटेन टू ऑल, पांच कार्बन थे पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड था एन, और सेकंड पोजीशन पे OH है, तो टू ऑल, पेंटेन टू ऑल। ठीक है, एक और कंपाउंड देख लेते हैं हम, मान लो ये है CH3 CH2 CH OH CH2 CH2 and CH3। अब इसका नाम देखते हैं, नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से करते तो फोर्थ नंबर पड़ता,
तो सोचो क्या नाम होना चाहिए इसका, यूपीएससी नेम क्या नाम होगा इसका, हेक्सेन थ्री ऑल, हेक्सेन थ्री ऑल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका यूपीएससी नेम।